चीज मैंने अब डाली है, इसको आप एकदम लास्ट में डालेंगे, शुरू में बिल्कुल नहीं डालना है आपने। ऐसे ही मिक्स करेंगे, तुरंत हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल भी बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है स्किन, मतलब इतना ज्यादा ग्लो आपको कोई रेमेडी नहीं देगी जो आपको आज की जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर की हूँ ये देना। अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि कहीं ना कहीं से बुलावा एकदम से आ जाता है, चाहे हस्बैंड ऑफिस से फोन करके बोले कि शाम को कोई आ रहा है, या आपको कहीं जाना है किसी के घर पर। अब स्किन के ऊपर घर के काम काज करने के बाद में जो कंडीशन होती है उसमें तो हम लोग ऐसे जा नहीं सकते, तो या तो अब हम पार्लर चले जाएं या फिर जो घर पे गेस्ट आ रहे हैं हम उनका स्वागत कर लें। ऐसे में या तो हम पार्लर भागे या फिर घर के खाने बनाने में लगे, तो हम लोग क्या करते हैं घर में रखा हुआ कुछ भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे या तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है या फिर स्किन एकदम डल हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, इस चैनल का नाम है रेखा सिंह लाइफ। यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस देखने को आपको मिलेंगे जो आपकी स्किन को एकदम चमकदार, ग्लोइंग और शाइनी बनाएंगे। कलर की किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपकी स्किन के ऊपर, उसको DIYs बहुत आसानी से दूर करते हैं, बस आपको उनको रेगुलर करना होता है। तो अगर रेगुलर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस रेड वाले बटन को दबा के जहां पर लिखा है सब्सक्राइब, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसा नहीं खर्च होना है। साथ में एक लाइक दे दीजिएगा जो कि मुझे बूस्ट करेगा और अच्छी रेमेडीज आप लोगों के लिए बना के लाने के लिए। विद बेल आइकॉन कीजिएगा सब्सक्राइब के बटन को प्रेस, ताकि फ्यूचर वीडियोस भी आपको देखने को मिले। चलिए घर में ही रखे हुए सामान के साथ में तैयार करते हैं कुछ ऐसी चीज जो हमारी स्किन के ऊपर लाएगी पार्लर वाला ग्लो। अगर पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो आप इसको एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो देगी, आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को हटाएगी, अनइवन स्किन टोन को फिक्स करेगी। अगर आपके चेहरे के ऊपर यहाँ पर नोज के आसपास बहुत ज्यादा खुरदुरापन लग रहा है, यानी कि स्किन के ऊपर स्क्रबिंग का जो काम है आपने बहुत दिन से नहीं किया है, स्क्रब नहीं किया है, एक्सफोलिएट नहीं किया है, जिसकी वजह से खुरदुरापन लग रहा है, नोज के अराउंड रहता है ज्यादातर यहाँ पर रहता है, तो अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो ये रेमेडी आपकी स्किन के ऊपर बहुत बढ़िया काम करेगी। दो स्टेप में हम करेंगे, पहले हम अपनी स्किन के लिए एक स्क्रबर तैयार करते हैं और वही सेम चीज हम अपनी स्किन के पैक में भी यूज करेंगे, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम स्क्रब तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें खाली बाउल लेना है, ट्रांसपेरेंट ले रही हूं, सामान आपको इजिली इसमें दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने की चीज लेनी है। अब उसमें क्या क्या आता है, तो उसे तीन चीजें आती है, जैसे कि पहली चीज है चावल का आटा, ये मेन हर किसी के घर में अब मिलता है। अगर आपके पास नहीं है चावल का आटा आप घर पर बना सकते हैं, 2 मिनट लगते हैं, चावल हर किसी के घर में हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप वो ले लीजिए। चावल को आपने ग्राइंड कर लेना है और उसके बाद छानना है, छानने के बाद में जो चावल आपको मिलेगा उसी को आपने यूज करना है। वो जो दरदरा वाला है, थोड़ा सा मोटा वाला है, उसको आप अपने चेहरे पर बिल्कुल भी यूज मत करिएगा, ये वार्निंग है एक तरह से, क्योंकि अगर आप वो वाले चावल को यूज करते हैं वो आपकी स्किन को स्क्रैचेस दे देते हैं, हमें लगेगा हम तो रब कर रहे हैं, हम तो एक्सफोलिएट कर रहे हैं, नहीं, वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा स्क्रैचेस देता है। तो आपने बारीक वाला चावल का आटा यूज करना है, ठीक है, जो छान के आप ले रहे हैं। इसके साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ जी बेसन, ठीक है, बेसन आपकी स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएट करता है। चावल के आटा अगर आपका एक बार को थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया तो भी बेसन आपके उस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, आपके चेहरे के ऊपर बहुत बढ़िया से एक्सफोलिएट करेगा, क्लीन करेगा, स्किन की क्लींजिंग बेसन से बढ़िया कुछ और नहीं है। अगर आप सिंपल बेसन को भी अपने चेहरे पर लगाते हैं तो वो भी आपके चेहरे को एकदम क्लीन करता है, पूरी गंदगी, पूरे धूल मिट्टी सबको बेसन हटा देता है। इसको हम बनाने वाले हैं जी कच्चे दूध के साथ में, पका हुआ दूध बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी स्किन की स्क्रबिंग कर रहे हैं, एक्सफोलिएशन कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उसमें अगर आप पका हुआ दूध लेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जम जाएगा, ऑयल की तरह काम करेगा, वो हमें नहीं करना है, ठीक है जी। तो ये तरीके से आपने ये दोनों चीजों को मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का कॉफी का यूज भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें मिलके आपकी स्किन को बहुत बढ़िया से एक्सफोलिएट करेंगी। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी चीनी भी एड ऑन कर सकते हैं, चावल के आटे के जो कण होते हैं वो बहुत ही माइल्ड से खुरदुरे टाइप के होते हैं, जो हमारी स्किन की जमी हुई गंदगी को हटाते हैं, स्किन की डेड स्किन को हटाते हैं। तो ये देखिए, इसे सबसे पहले हम लगा लेंगे। इसके पहले आपको जरूरत नहीं है कुछ भी अपने चेहरे को वॉश वगैरह करने की, क्योंकि हम अपनी स्किन को स्क्रब भी कर रहे हैं और सेम टाइम पर हम अपनी स्किन को क्लीन भी कर रहे हैं। तो अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई मेकअप भी होगा वो भी आपका इसी सेक्शन में अपने आप ही साफ हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम लगाएंगे और अब हम करेंगे जी अपने चेहरे पर बढ़िया वाली मसाज। मसाज जरूरी है, क्योंकि मसाज करने से ही आपके जो भी व्हाइटेड ब्लैकहेड होंगे, खुरदुरापन होगा, डलनेस होगी, वो दूर होगी, क्योंकि हमने इसमें
मिलाया है जी चावल का आटा, और उसके लिए आपको रब करना, स्क्रब करने के लिए मसाज जरूर करनी है। दो से मैं इसको क्लीन करके आती हूँ और फिर हम हमारा नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये हो गया क्लीन करके, और हमने अपनी स्किन को, क्योंकि अभी ओपन सारे पोर्स हमने किए हैं, गंदगी सारी डेपोजिशन उसमें से निकाली है, तो अब हमें अपनी स्किन को बंद भी करना है, मतलब कि हमारे जो पोर्स हैं उसको वापस से हमें बंद करना है, ताकि उसके अंदर और वापस से दोबारा से अब गंदगी ना जाए। तो उसके लिए हमें तैयार करना है एक फेस पैक, जो कि हम अपनी स्किन को टाइट करने के लिए भी करने वाले हैं। स्किन की टाइटनिंग जितनी अच्छी होगी, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो अच्छी होती है, तो वो हमारी स्किन को और ज्यादा यंग लुक देती है। तो हमें उसके लिए कुछ ऐसी चीजें अपनी स्किन पे जरूर एड ऑन करनी चाहिए। मैं ले रही हूँ कॉर्न स्टार्च, जो कि आपको बहुत आसानी से जनरल शॉप पे मिल जाता है। ये आपकी स्किन को टाइट करता है, ये आपकी स्किन को फेयर भी करता है। तो आपने लेना है कॉर्न स्टार्च, ये चिपक गया है, एक्चुअली कॉर्न स्टार्च चिपक जाता है मोस्टली, आपने देखा होगा, अरारूट जिसको बोलते हैं वही वाला लेना है आपने। एक चम्मच मैंने लिया है, और इसमें हम डालेंगे एक चम्मच आटा, जो हम घर में रोटियां बनाते हैं वही आपने लेना है। आटे में भी प्रॉपर्टीज होती हैं आपके स्किन को टाइट करने की, ये हमने डालना है। इसके साथ हम इसमें डालेंगे जी कोई भी एक विटामिन ई का सोर्स। अब उसके लिए आप विटामिन ई का कैप्सूल डाल सकते हैं, उसके लिए आप इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। मेरे पास में ऑलिव ऑयल है, तो ये मैं इसकी 3 से 4 बूंदे इसमें डालूंगी, ज्यादा नहीं लेंगे। ये हमने ले लिया, कोई भी एक सोर्स, आप मीठा तेल जो बादाम का तेल होता है वो भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम इसमें डालेंगे जी एलोवेरा जेल, जो कि जरूरी है, ये आपने डालना है। ये आपके कलर को भी फेयर करता है और आपकी स्किन की एजिंग के ऊपर बहुत बढ़िया से काम करता है, स्किन को टाइट भी करता है। तो ये हम डाल लेंगे, इसको हम बनाएंगे कच्चे दूध के साथ में ही। आप चाहें तो इसको आप रोज वाटर के साथ भी बना सकते हैं, बट मुझे कच्चा दूध अच्छा लगता है, क्योंकि ये कलर भी फेयर करता है। तो एक तो ये आपके रंग को भी निखार रहा है, सवार रहा है, और आपके कलर को भी फेयर कर रहा है, और कच्चा दूध हमारी स्किन की इलास्टिसिटी के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करता है, हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है अभी, इसको हम पतला कर लेते हैं। हमारे कलर को इंस्टेंट फेयर करेगी, उसको आपको शुरू में नहीं डालना है, क्योंकि अगर शुरू में डालेंगे तो वो घुल जाएगी एकदम से ही, एकदम पानी हो जाएगी। तो हम उसको डालेंगे जब हम हमारा ये फेस पैक पूरा रेडी कर लेंगे। तो वो क्या है जी, वो है जी हमारी स्किन की कॉफी, जो कि हम लोग रेगुलर तौर पे पीते हैं। ये आपके कलर को 2 से 3 टोन तक इंस्टेंट फेयर कर देती है। मैं 2 रुपीज वाला जो पैकेट है, यानी कि 1 चम्मच जो कॉफी है, वो इसमें डाल रही हूँ, और ये आपको एकदम लास्ट में डालनी है, शुरू में नहीं डालनी है, ठीक है जी। ये जो चीज मैंने अब डाली है, इसको आप एकदम लास्ट में डालेंगे, शुरू में बिल्कुल नहीं डालना है आपने, क्योंकि अगर आप इसको शुरू में डाल देंगे तो इसका उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये जब आप इस पैक को रेडी कर लेंगे, तो आपने लास्ट में इस चीज को एड ऑन करके उसके बाद में आपने इस पैक को बनाना है, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको अच्छे से अब मिक्स करेंगे, और जैसे ही मिक्स करेंगे तुरंत हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी आपने रुकना नहीं है, ठीक है जी, तुरंत अप्लाई करना है, बिल्कुल भी आपने वेट नहीं करना है, नहीं तो कॉफी जो है वो इसमें घुल जाएगी और वो हमें नहीं चाहिए। ये हमें हमारी स्किन के ऊपर चाहिए, जो अपनी मैजिक है स्किन के ऊपर करें, ना कि, ठीक है। तो ये इस पैक का रूल है, जब भी आप इस पैक को लगाते हैं जिसमें कि हम ये डाले हैं अरारूट डाले हैं, तो इसको आपने जब भी कॉफी के साथ बना रहे हैं आपने तुरंत उसी वक्त इस पैक को लगाना है। अब हम इसको लगा के छोड़ेंगे, इसको आपने रखना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये तो कैसा लगा आपको आज का ये DIY? बहुत ज्यादा फेवरेट है, और मेरा ऐसा DIY है जिसको मैं हमेशा इमरजेंसी में काम में लेके आती हूँ। इनकेस अगर आपको भी कोई इमरजेंसी है, इनकेस कहीं जाना है, तुरंत किसी ने आना है, तो आपने आज की इस DIY को जरूर करना है। ये आपकी स्किन को इतना बढ़िया वाला ग्लो देगा कि 5,000-5,000 के फेशियल करा के भी आओगे ना, वो भी ग्लो आपकी स्किन के ऊपर नहीं आएगा, जो ये सिंपल रेमेडी आपकी स्किन के ऊपर दे देगी। तो इसी तरह के DIYs देखते रहिए, करते रहिए, अपना रिजल्ट आपने मेरे साथ जरूर शेयर करना है। फॉलो कर लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पर, जहां पर आप मुझे अपनी पिक्चर भेज सकते हैं, जहां पर आप अपनी जो बनाई हुई रेमेडीज है उसका पिक्चर आप भेज सकते हैं। तो डायरेक्ट DM कर लीजिए, मेल कर लीजिए, आप मुझे फेसबुक के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप मुझे अपनी पिक्चर भेज सकते हैं। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। ये इंस्टेंट आपकी स्किन के ऊपर ग्लो देती है, तो इसको आपने इंस्टेंट वाले मौके पर ही करना है, रोज रोज नहीं करना है।